बोलोगे हाँ तो अभी है क्या आप यहाँ? तो ये अच्छे वक्ता है, मैंने इनका वीडियो देखा, अब क्या पता बोलने से पहले कुछ मैंने ज्यादा महसूस किया ऐसा कि जब भी हम कभी बोले हमसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी दानी बुद्धिमान हो तो हमारी कुछ योग्यता या प्रभाव कम हो जाता है, ये शायद किसी में हुआ होगा। अच्छे वक्ता है मेरे मुकेश भाई, लेकिन बोल गए कि तेजाजी महाराज अपने लोक हित में प्राय हित में अपने प्राणों की बलि दे दी, और मीरा भाई ये ऐसे देव पुरुष थे, वीर पुरुष थे, जिन्होंने इससे पहले भी लोकसभा और विधानसभा में किसानों के हित की बात उठाई है। तो मैंने कहा ये एक्स एमएलए थे क्या? वीडियो है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, मेरे में बीती। देखो मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आप किसी के अच्छे और सच्चे या बुद्धिमान के सामने बोलना चाहो तो माननीय सभापति महोदय, मैंने मेरा एक खुद का सोच बनाया है, बोलने से पहले अगर आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है या परेशान हो रहे हो तो बोलने से पहले पेंट पजामा इतना ढीला कर लीजिए कि पैर हिले तो अंदर अंदर हिले बाहर पता ही नहीं लगे। घबराहट तो होती है, मुझे भी होती है, लेकिन दूसरी कई चीजें ऐसी आई। किशनगढ़ से मकराना मेगा हाईवे है, और जहां जहां बिजली के तार क्रॉस करते हैं माननीय सभापति महोदय, मेगा हाईवे में तो 25-22 फुट ऊंचे क्रॉस करने वाले बिजली के तार होते हैं। जहां जहां से हमारे राहुल जी निकले मकराना से किशनगढ़, सारे तारों को ऊपर कर दिया, ये मेरे समझ में नहीं आई। इसका मैं जवाब चाहूंगा, मेरे अगर मुझे मौका मिले तो मेरे कांग्रेस के मंत्रियों जी, अध्यक्ष जी से या सीएम साहब से, उनको पता तो है राहुल जी थोड़े से एक उछल कूद करने वाले हैं, थोड़े से एक मस्त रहने वाले हैं, लेकिन कोई आदमी इतनी 30 फुट की ऊंची उड़ान उड़ सकता है? अच्छा हमारे मुख्यमंत्री जी ने देखा कि क्या पता क्या कहते, आए तो ट्रैक्टर पे थे और कहते चलो ट्रैक्टर को ट्रक में डालो, और ट्रैक्टर को ट्रक में डालने के बाद में निश्चित तौर से ऊंचाई बढ़ जाती है। तो हमारे जो नेता होगा, जो सुरक्षा का कितना ध्यान रखा, चाहे वो अधिकारी है चाहे वो जनप्रतिनिधि है, उनकी योग्यता और बुद्धि को मैं धन्यवाद दूंगा कि 30 फुट भी अगर छलांग लगाए ऊपर कुछ भी हो जाए तो कोई खतरा नहीं था। दूसरी मेरी और राहुल जी की कुछ समानताएं मिलती है, बताओ मैं एक बात माननीय, वो राहुल जी है मैं रूपाराम हूं, राशि एक है। उनकी मम्मी का नाम सोनिया है, मेरी घरवाली का नाम सरजू है। उनकी बहन का नाम प्रियंका है, मेरे बेटे की बहू का नाम प्रियंका है। देखिए अभिभाषण पे चर्चा हो रही है, कहां की बात कहां लेकर चले गए साहब, आप तो जिया चाहो जिए बोलो, मैं करेंगे नहीं, मुंह खोलो। गरिमा होती है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे बात करनी चाहिए, लेकिन सुनो मैं मान जाऊंगा। माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी, मकराना की यात्रा आपकी पूरी हो गई तो अब जयपुर में आ जाओ, आप सीधे जयपुर आ जाओ। एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं राहुल जी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूं, समानता है तो क्या है, पार्टी के अध्यक्ष बड़ी बात है और मुख्यमंत्री है, मेरा भी कभी मुख्यमंत्री में नंबर आ सकता है, इसमें क्या बात है। जो हाउस के मेंबर नहीं है उनके बारे में नहीं बोले, डिलीट कराओ इसको सब, कोई बात नहीं करना आपको। तो उस दिन जसोदा बहन के बारे में इतना गुस्सा आया, आप ये डिलीट कराओ इसको, पूरा भाषण डिलीट कराओ, पूरा भाषण डिलीट। मकराने में आए हैं सरकारी मशीनरी ने उसका उपयोग किया है, गंभीर बात है, पूरा हाउस भाषण डिलीट कराओ। बार बार ऐसे मकराने में आए हैं, सभापति महोदय आसन आप अपेक्षा करते माननीय सभापति महोदय,
प्लीज विराजिए, आप विराजिए, ये गलत परंपरा है, विराजिए सभापति मोदी, ये गलत परंपरा है। गलत कैसे ये विराजिए आप मोदी जी के बारे में बोलो, माननीय मंत्री महोदय, आप केंद्र के किसी भी नेता के बारे में बोलो, आप बीजेपी के किसी भी नेता के बारे में बोलो, वो परंपरा शुद्ध है, वो सही। विराजिए विराजिए विराजिए